जब वो राम के खिलाफ बोलता है तो ये पूरा ब्रह्मांड उसे समाप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसका उसकी झांकी आप देखेंगे आने वाले समय में, जो जो आज मेरे प्रभु श्री राम के विरोध में बोल रहे हैं, जो मेरे राम मंदिर के विरोध में बोल रहे हैं, वो आपकी आंखों के सामने कैसे समाप्त होंगे इसको ये पूरी दुनिया देखेगी, आप भी देखेंगे। तो हम सब तो भाग्यशाली हैं कि हमें हमारे राम पे उतना ही भरोसा है जितना हमारी सांसों में भरोसा है। ये सांस चल रही है तो राम के कृपा से चल रही है, राम जब चाहेंगे ये सांस भी बंद हो जाएगी, फिर राम की कृपा होगी तो फिर कोई और जीवन मिल जाएगा। तो बस राम के अलावा कुछ है नहीं, यहाँ राम चर्चा चल रही है, इसमें आप लोग शामिल हुए, आप सब भाग्यशाली हैं, हम सब भाग्यशाली हैं। सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने आजमगढ़ लालगंज की सांसद जी को प्रणाम करते हुए, अपने सभी माताएं बहने, अपने सभी पत्रकार बांधवों को प्रणाम करते हुए मैं इतना ही कहूंगा, दो लाइन तो हमें कहना ही पड़ेगा